हेलो एंड वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में जो गाड़ी है ये टाटा की टियागो 2020 का ये मॉडल है और इसमें लगा है 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर नेचुरल एस्पिरेंट इंजन। इस गाड़ी में करीब 2 साल पहले सीएनजी किट इंस्टॉल की गई थी, किट हमारे यहाँ से नहीं लगी थी। आज से पहले इस गाड़ी में किसी तरह का एडवांसर नहीं था, आज हमने इसमें डायनामिक एडवांसर इंस्टॉल किया है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ किट की प्लेसमेंट कैसे हुई हुई है और हमने डायनामिक एडवांसर की प्लेसमेंट किस तरह से की है। और ये गाड़ी अब तक सीएनजी पे अराउंड 44,000 किलोमीटर चल चुकी है। तो ये हमारी किट के समान है, ये हमारा फिलिंग वॉल्व है, पीछे है हमारा रिड्यूसर, इधर जो ये पाइप जा रहा है इसी में आगे की तरफ लगा है मैप सेंसर, पीछे की तरफ लगा है ये है ECM और इंजेक्टर्स लगे हैं यहाँ, ये रेड वाले जो है ये इंजेक्टर्स है। तो किट की इंस्टॉलेशन ठीक हुई हुई है, थोड़ी सी बेहतर हो सकती थी अगर ये पाइप वगैरह प्रॉपरली कवर्ड होते स्लीव के थ्रू, तो और ज़्यादा नीट एंड क्लीन लुक आ सकती थी। आज हमने इसमें डायनामिक एडवांसर इंस्टॉल किया है, ये डायनामिक एडवांसर की हमारी वायरिंग जा रही है, प्रॉपरली स्लीव्ड है। डायनामिक एडवांसर बेसिकली गाड़ी के क्रैंक सेंसर, कैम सेंसर, थ्रॉटल सेंसर और मैप सेंसर के साथ मिलकर गाड़ी की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। ये BS6 मॉडल है तो इसमें स्टैटिक एडवांसर बिल्कुल भी कामयाब नहीं है। जो टियागो या टिगोर का BS4 मॉडल आता है उसमें स्टैटिक एडवांसर चल जाता है। तो डायनामिक एडवांसर बेसिकली इसकी जो प्रोसेसिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा क्विक होती है क्योंकि ये सॉफ्टवेयर बेस्ड है, बहुत ज़्यादा स्मूथ एक्सीलरेशन मिलती है इसको इंस्टॉल करने के बाद। तो इंस्टॉलेशन हो चुकी है, ट्यूनिंग हो चुकी है, ट्रायल वगैरह हम लोगों ने कर लिया है। तो अब एक बार ओनर से पूछ लेते हैं कि अभी तक उन्होंने अराउंड 40,000 किलोमीटर बिना एडवांसर के चलाया, आज लगा के अभी आपने गाड़ी चलाई, तो तुरंत आपको क्या डिफरेंस फील हुआ? जो हम पहले 3 से 4 पैसेंजर बैठ के फर्स्ट गियर में उठाते थे तो उसमें वो चलती नहीं थी गाड़ी। अभी हम 4 बैठ गए हैं और AC सब चल रहा था तो आज उठी। हाँ, और एक्सीलरेशन वगैरह आपको प्रॉपर मिल रहा है या? प्रॉपर मिल रहा है अभी तक तो बिल्कुल। पहले मतलब आपको था कि भाई अगर दूसरे गियर पे भी आप उठा रहे हो ट्रैफिक में या उठती नहीं थी? नहीं, बिल्कुल एकदम बैठ जाती थी। हाँ, अब बेहतर है। तो देखिए सर, हमारे सेटिस्फाइड। देखिए इन गाड़ियों में एक तो 3 सिलेंडर का इंजन है, दूसरा ये गाड़ियाँ बहुत भारी है क्योंकि टाटा की बिल्ड क्वालिटी सबको पता ही है, तो अच्छी खासी भारी ये गाड़ियाँ होती है। तो इनमें CNG लगने के बाद परफॉर्मेंस में अच्छा खासा ड्रॉप आ जाता है, 2-3 बंदे बैठ जाते हैं, AC चल जाता है तो गाड़ी उठने का या हिलने का नाम ही नहीं लेती, और फ्लाईओवर चढ़ना पड़ जाए तो एक जंग हो जाती है। तो बहुत से कस्टमर ने बताया कि पेट्रोल पर कर लेते हैं वो, फ्लाईओवर चढ़ते हैं। तो खैर डायनामिक लग गया है, डायनामिक लगने के बाद गाड़ी की परफॉर्मेंस जैसे सर ने बताया बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। देखिए जो ये डायनामिक एडवांसर है ये हर गाड़ी में कंपैटिबल होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें जो हमने ये डायनामिक लगाया है आप इसको मारुति में भी लगा सकते हो, होंडा में भी लगा सकते हो, हर गाड़ी में ऑलमोस्ट लगा सकते हो, मगर हमें डायनामिक लगाने के बाद गाड़ी के अकॉर्डिंग इसे ट्यून करना होता है। ऐसा नहीं है कि बस लगा दिया और ये अपने आप ट्यून हो जाएगा या अपने आप चल पड़ेगा, हमें गाड़ी के अकॉर्डिंग कि भाई गाड़ी को कितनी एडवांसमेंट चाहिए, ओवर एडवांस भी नहीं कर सकते, अगर आप ओवर एडवांस करेंगे तो भी गाड़ी सही नहीं चलेगी, और कम रखेंगे तो लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो प्रॉपर इसका मैप को बैलेंस करके हमें ट्यून करना पड़ता है गाड़ी को ताकि गाड़ी बेस्ट परफॉर्म कर सके अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग। तो जब भी आप कहीं से भी डायनामिक एडवांसर लगाएं इसी से ख्याल रखें कि जो बंदा लगा रहा है उसे गाड़ी का पोटेंशियल पता हो और डायनामिक की लिमिटेशंस और उसकी ताकत का पता हो कि भाई कितना मुझे इसके थ्रू गाड़ी को परफॉर्मेंस अपग्रेड करनी है। तो खैर इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करता हूँ। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो WhatsApp पे, Instagram पे कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।